भाई पिछले लगभग 15 दिनों में आज तीसरी बार बसों को रोका गया है, रोडवेज बसों को आज यहां पर रोका गया है। पहले की अगर मैं जिक्र करूं, सबसे पहले बालक चौकटा पर रोका गया था, दूसरी बार कनो गांव के अंदर रोका गया था, और आज की अगर मैं बात करूं तो पाबड़ा गांव के अंदर रोडवेज बसों को रोका गया है। क्यों रोका जाता है, पहले की जैसे समस्या देखी गई है, उन समस्याओं को देखते हुए मैं बताना चाहूँगा कि छात्रों के द्वारा रोका गया था, जब बालक चौकटा पर बसों को रोका गया था और गांव कनो में जब रोका गया था, ग्रामीणों और छात्रों के द्वारा मिलकर के रोका गया था। लेकिन आज की अगर बात करें तो यहां पर ग्रामीण भी मौजूद है और यहां पर छात्र भी मौजूद है, जानते हैं उनसे कि क्यों आखिर बार बार इनको बसों को रोकना पड़ रहा है। इस समय की अगर मैं बात करूँ तो पावड़ा गाँव के अंदर मौजूद हूँ, यहाँ पर कुछ छात्र हैं, क्या कहेंगे, आज आपने जो ये बसें रोकी है क्या कारण है, क्या आपको समस्याएँ आ रही है? एक तो बस टाइम पर नहीं आ रही जी, दूसरी 40 मिनट की सर्विस है, कभी मिस हो जाती है, हमें चढ़ने को जगह नहीं मिलती, क्लासों में लेट पहुंचते हैं जी। इसके अलावा कुछ और भी कारण है जिसके कारण आपको बसों को रोका जाता है? मैं यही हमारे मतलब बस आप फालतू लगाओ, यानी कि बसें कम है और उसके बावजूद भी समय पर नहीं आ रही है? हाँ कम है और फिर भी समय पर नहीं आ रही, हमें बस और चाहिए इस रूट पर। देखिए बसें काफ़ी कमें हैं ये इन लोगों का कहना है, और समय पर न आने के कारण आज इनको ये कदम उठाना पड़ रहा है। कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। ग्रामीण यहाँ पर बस मजंदे नहीं आते, यहाँ पर टाइम करीब ही रहता। आप एक ग्रामीण हो, आपके गांव में बस को रोका गया, क्या कहेंगे? भाई मैं के बताऊँ भी, सुबह सुबह बालक जावा नहीं, इनकी बहुत दिक्कत हुआ है जान में जी। हाँ घंटा सवा सवा घंटा, कई बार तो एक बस कैट भी दिया है जी, दो घंटे तक में बस आवा है, तो इनकी स्कूल में जाने में दिक्कत हो, इनकी क्लास में लगती पूरी, तो पढ़ाई में दिक्कत हो, इस कारण बालक ने बस रोक रखी है जी। देखिए एक साथी ये वो हमारे साथ मौजूद है, नाम है संदीप रोलन। कनो गांव के अंदर जब बसों को रोका गया था उस टाइम भी ये वहीं पर मौजूद थे, और कई बार ये जो है शिकायत इसकी दे चुके हैं, सीएम विंडो तक लगा चुके हैं, लेकिन किसी प्रकार का समाधान नहीं हो पाया, क्या कहेंगे? आज पावड़ा गांव के अंदर यहां पर बसें रोकी गई है, कनो गांव के अंदर जब बसें रोकी गई थी उसका समाधान निकाला गया था, क्या वो समाधान निकाल दिया गया था? लेकिन अब की अगर बात करें क्या वहां पर बसें चल रही है? सर बसें चल रही है लेकिन कम मात्रा में चल रही है बसें, 9:30 के बाद ही सर कोई बस नहीं जा रही। जैसे अब छात्र छात्राएँ और अन्य यात्रियों को बस क्यों रोकनी पड़ रही है? बार बार अधिकारियों से मिल चुके हैं, अनेक बार ग्रामीण भी जा चुके हैं जीएम साहब के पास, लेकिन हर बार झूठ, जो कि झूठ उनका मतलब एक पैसा बन गया रोडवेज अधिकारियों का या प्राइवेट बस वालों का। मैं स्पेशल रोडवेज को नहीं टारगेट करूंगा इसमें, या प्राइवेट वाले बस वालों की बात भी ले सकते हो आप, लेकिन ये हर बार सिर्फ झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं और ये कोई भी समाधान नहीं कर रहे। खास करके इस आर डिपो की बात करें और ये उकलाना रूट की जो बात है, कनो किरमारा पावड़ा खैरी किनाड़ा सभी रूटों पर बस नाम मात्र की चल रही है, 9:30 के बाद कोई सर्विस नहीं है हिसार के लिए या अग्रवा के लिए, पावड़ा से अग्रवा के लिए कोई सर्विस नहीं है। तो हम आपसे जो कि हमें बार बार असंवैधानिक तरीका बसों को रोकना पड़ रहा है, इसके लिए हमें मजबूर कर रहे हैं जानबूझ के अधिकारी, तो हमारी आपसे पत्रकार मीडिया के माध्यम से सरकार से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस समस्या का तुरंत समाधान किया जाए, वरना यह रोड भी जाम हो सकता है जी। देखिए रोड जाम करने तक की नौबत यहां पर आ सकती है, ऐसा इन लोगों का कहना है। सर आप क्या कहेंगे, बार बार अधिकारी आते हैं, आश्वासन दे दिया जाता है समस्या का समाधान करने को लेकर के, लेकिन किसी प्रकार से समाधान नहीं किया जाता? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आप इस उस पर पहुँचे, रोड जाम जो बच्चों ने किया है इसके लिए आपकी पूरी टीम का धन्यवाद। पिछले समय भी पावड़ा में इससे पहले 2 दफ़ा यहाँ बसों को रोका गया है, आश्वासन दिया गया कि बसें टाइम से चलाई जाएगी, जो रोटेशन प्लान है उसके तहत चलाई जाएगी, लेकिन उस पर नाम मात्र भी शायद गौर नहीं किया डिपार्टमेंट ने। उसके बाद बालक चौपटे की बात हो, कनों की बात हो, आसपास के लगभग 4-5 जाम और लगे, लेकिन रोडवेज के अधिकारी आ रहे हैं और कहते हैं कि समय से बसें चलाई जाएगी, ना समस्याओं का समय है और न जो रूट प्लान है उनका रोटेशन के हिसाब से बसें चलती हैं। मेरे को नहीं लगता कि भविष्य में भी ऐसा कोई समाधान नहीं करेंगे, एक आश्वासन देते हैं झूठे आश्वासन, कितने दिन तक चलेंगे, इतने बच्चों के पास बना दिए, इतना पैसा लूट लिया सरकार ने इन बच्चों से, बेरोजगार बच्चों से पैसा लूटा जा रहा है लेकिन बसें ना मात्र दी जा रही है, बच्चे प्राइवेट साधन से या अपने व्हीकल से जा रहे हैं, पास से बनवा लिए हैं इन सब ने अपने पास का पैसा, सरकार को दे रखा है, सरकार पैसा वसूल करती है और घर बैठ जाते हैं, सरकार के अधिकारी सुन नहीं रहे, सुबह से आप फोन किए जा रहे हैं, कायदे से बनता तो ये है किसी भी माध्यम से सूचना मिले अधिकारी को,
और वो पहुंचे मौके पर, सुने लोगों की समस्या क्या है, लेकिन यहाँ से फोन किए जा रहे हैं टीएम को, जीएम को, डीआई को, 7 बजे रोके गए थे और 11 बजे का समय हो गया, लेकिन किसी ने अभी तक सुनवाई नहीं की है। देखते एक टीम जीएम साहब ने यहाँ बना के एक टीम भेजी है पापड़ा के लिए स्पेशल, वो टीम आएंगे उससे बातचीत करेंगे, उसमें क्या समाधान होता है उससे आगे की सूचना आपको बता दी जाएगी, आपको रिपोर्ट करेंगे। अब ये देखिए हमने, सर आप क्या कहेंगे जिस प्रकार से बार बार बसों को रोका जाता है, जो आम सवारी होती है उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? नरेश जी, सबसे पहले तो बात ये है कि इससे 2-3 महीने पहले भी हमने ये काम किया था, उसके बाद इन्होंने बसों को ठीक ठाक चलाया भी जी, और ये जो समस्या है ये आज की नहीं है, ये पुरानी समस्या है। और जब तक बस ठीक ठाक चलती है टाइम से, और पापड़ा गांव के अंदर तो यह हालत होती है कि यहाँ पर बस में चढ़ने के लिए जगह नहीं मिलती जी, और अब आज से मतलब 5-6 दिन पहले तक ये हो रखा है अब कि कोई भी सर्विस है तो टाइम पे नहीं आ रही। हम सोच तो ये रहे थे कि 7:30 वाली बस जो शाम की वो चलवाएं, क्योंकि ये जो 7:30 वाली जो सर्विस है हिसार से जो भूना की है, ये बड़ी पॉपुलर सर्विस है और ये मतलब है बड़ी लाभान्वित होते हैं लोग इसमें। और इन्होंने क्या कर रखा है कि अब सुबह से ही जितनी सर्विस जानी है बस की सर्विस नहीं जाती, और जो बच्चे हैं वो सारे के सारे खड़े रह जाते हैं, और जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। और जब जहाँ तक प्रशासन की बात है, प्रशासन पहले आया था, उन्होंने आश्वासन दिया था, हाँ कुछ दिन तो थोड़ा सा उनका आश्वासन चला क्योंकि टाइम से बसें आई, लेकिन अब तो वही डाक के 3 पात वाली बात है। और आज देखिए आपको बताऊँ बात है, हमारा तो मन ये कर रहा है कि जो सवारियों की समस्याएं हैं ना, इनको जो सवारियां जो गर्मी के अंदर बैठी हुई है कि इनको जल्दी से जल्दी इन बसों को निकालें, लेकिन प्रशासन ये चाह रहा है कि हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब तंग करें, सवारियों को भी तंग करें और इन लोगों को भी तंग करें। ये तो बल्कि ये चाह रहे हैं कि सवारियाँ ही लड़ झगड़ के ना इनसे आगे चली जाएँ, हमने कुछ करना ना पड़ो। हमारे को टीएम साहब से बार बार कॉल करने के बावजूद तो अब ये आश्वासन मिला है कि 15-20 मिनट पहले कि हम चल पड़े हैं, अब टोल पे आ चुके हैं। देखो अब ये है कि हम टोल पे वो आ रहे हैं तो हम ये सोच रहे हैं कि वो आ जाएं, हमारी बात सकारात्मक हो और जो ये बसें सही तरीके से चलें, ताकि ये बच्चे जो है जो परेशान है ये परेशान ना रहें, क्योंकि आज कई बच्चों के प्रैक्टिकल भी हैं जी, कई बच्चों के मान के चलो एग्ज़ाम भी हैं, अच्छा कई बीमार भी हैं। मान के चलो यहाँ पे हमने 2-3 ऐसे पेशेंट से जो और जो मतलब बहुत बुरी हालात में थे, वो हमने अपनी गाड़ी से सरसोत तक भेजे हैं ताकि उनको दूसरी बस के साथ उनको कन्वे कर सकें। आपको एक बात और बताइए, जब बालक चौकटा पर बस रोकी गई थी उस समय जो बरवाला के जो बस स्टैंड इंचार्ज है वो वहाँ पर आए थे, उन्होंने ये आश्वासन ही नहीं दिया था बल्कि ये भी कहा था कि डॉक्यूमेंटों में आज से ही बस को चढ़ा दिया गया है कि आज से परमानेंटली बस चलेगी, लेकिन बावजूद उसकी इस प्रकार की समस्याएं आ रही है। देखो जहाँ तक इनका मेरे को तो जोर लग रहा है, ये क्या करते हैं कि मान लो आज जाम लग गया तो कल से आके ठीक कर देंगे, 5-7 दिन ठीक रहेगी फिर दूसरी जगह जाम लगा देंगे तो वहाँ से कर देंगे। सबसे मेन बात ये है कि इन्होंने अभी तक स्थाई समाधान किया ही नहीं है, और जब तक मान के चलो जीएम और टीएम ये अपना पूरा का पूरा एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस मामले के अंदर, तब तक ये सुविधाएं सही तरीके से नहीं चल सकती। अब भी टीएम ने कोई अपना सबॉर्डिनेट भेजा है बात करने के लिए, चलो उससे बात करते हैं क्या रहता है वो, फिर देखो जी अब गारंटी तो किसी चीज़ की है नहीं जी। आपको अपना काम है संघर्ष करना और अपनी मांगों को प्रशासन के समक्ष रखना, लेकिन वो तो फिर प्रशासन का काम रह जाता है कि वो क्या करता है। और कोशिश और उम्मीद भी यही है कि प्रशासन अब सकारात्मक रहेगा हमारे साथ। सर जिस प्रकार से अधिकारियों से बातचीत की गई है, आपको क्या लगता है वो समय पर पहुंच जाएंगे और आपकी समस्या का समाधान कर लिया जाएगा? ऐसा नरेश जी, सुबह 8:15 करीबन यहाँ बसें रोकी गई थी जी, और अब 11:15 होने को जा रहे हैं, तो करीबन 3 घंटे हो गए। अधिकारियों ने 1% भी कानों में चू नहीं हो रही, ना जनता की समस्या सुन रहे और बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं लोगों को। जब भी ये समस्या आ रही, छात्र हैं, छात्राएं हैं और बीमार लोग भी हैं जो समय पर नहीं पहुंच पाते। सुबह जिसने 8 बजे डॉक्टर को दिखाना, वो 12 बजे क्या करेगा जाके जी। तो लोगों की समस्या नहीं सुन रहे, चाहे GM हो चाहे TM हो। और पहले भी मैंने देखा है चोपटा 2 बार जाम लगा, कनौ जाम लगा,
तो लोगों की समस्या सुनते तो समाधान हो जाता। ये हमारे नज़दीक समस्या है। परली मंगाली की तरफ भी जाम लगा था, मंगाली की तरफ भी समस्या आई थी, वो बड़ी भारी समस्या है और सरकार ने इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। नहीं, आज दीपेंद्र हुडा यहाँ कुकलाना हल्के में आ रहे हैं तो हम वहाँ हमारी आवाज़ उठाएंगे दीपेंद्र जी के सामने, तो ऊपर जितना आला कमान के पास है जो पूछाएंगे अपनी बातें। आज अगर आपकी समस्या का समाधान पहले की तरह से किया जाता तो अगला कदम आपका क्या रहने वाला? आज स्थायी समाधान नहीं हो तो हम इशार जीएम से मिलेंगे और वहाँ भी हमारी सुनाई नहीं हुई तो हम धरने पे बैठेंगे, वहाँ जीएम के गेट के धरने पे बैठेंगे और जब तक समाधान नहीं हो जब तक हम धरने पे बैठे रहेंगे। जी देखिए, लगातार समस्याएं जारी है, किसी भी प्रकार का सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया जाता लेकिन समस्या का समाधान नहीं किया जाता। आप क्या कहेंगे, आपके गाँव में बस रोकी गई है, क्या ये जायज है? 3 घंटे हो गए, ये 3 बस खड़ी है, 3 घंटे हो गए, परेशानी देख लिया आपने, बड़कन कितनी हो रही है, हर बार बाहर लटके जाओ, लड़की भी और लड़के भी, समस्या इन समस्या का समाधान में जी एम अप्लीकेशन भी लिख के दे के आए थे, पहले भी जाम लाए हैं, कोई समाधान नहीं है। ऐडा जी एम आया जो है, एक रखा आया भी जी एम और टी एम भी आया है लेकिन उसका कोई समाधान नहीं, और 2 बड़कन बुला के संतुष्ट कर दिया है, बस जाओ, 4 दिन बस चल रहा है, 2 दिन पाछे फिर बंद। जितना हमारा समाधान नहीं होगा इतना बस नहीं चलेगी, चम हमने 4 दिन पाछे फिर जाम लाना हो, लिखित रूप में हमने आश्वासन दे दे कि हमें 4 दिन में 5 दिन में बस चलाए देंगे। देखिए लिखित रूप में मांग रहे हैं कि लिखित रूप में हमें समाधान दिया जाना चाहिए, क्या कह रहे हैं सर? एक बात और रहेगी, जैसे 3 बसें तो चलो यहाँ रुक गई, अब ये बताओ 3 घंटे हो गए, क्या एज ए रूल की बात करें कितनी टाइम की सर्विस है इशार भुना की, रूल की बात करें तो क्या 1 घंटे में 1 ही बस आती है? ये बड़ी सोचने का विषय है, तीन घंटे में 3 ही बस आई है, ये एक बड़ा गंभीर विषय है। यहाँ हम जब कॉलेज जाते थे तो यहाँ लगभग 35 मिनट 40 मिनट की सर्विस होती थी, रूटीन में बसें आती थी, और आज जो मेरे संज्ञान में आई है बात, एक साथी कनो का बता रहा था भाई, कनो से 3 गाड़ियाँ निकाली गई, नैला से कनो होके बालक होते हुए इशार निकाल दी, क्या ये कोई स्थायी समाधान थोड़े? अफसरों ने बहुत लापरवाही करने लग रहे हैं, ऐसा कोई समाधान स्थायी समाधान की तरफ नहीं जा रहे। जी देखिए, समाधान स्थायी नहीं किया जा रहा है लेकिन बार बार ये नौबत क्यों आती है कि इस प्रकार से बसों को रोकना कहां तक जायज है, ये भी आप जरूर बताइएगा। लेकिन जिस प्रकार से इनकी समस्या को देखा जाता है, छात्र जो होता है, कहीं उनका एग्जाम होता है, कहीं प्रैक्टिकल होती है, समय पर स्कूल पर में नहीं पहुंच पाते हैं, कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि समय पर स्कूल पर न पहुँचने पर उनका नाम तक काट दिया जाता है, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बसें कम होने के कारण बसें लबालब भर जाती है। लड़कियों की अगर मैं बात करूं, पिछली बार एक बात कहने को मिली थी लोगों के द्वारा, वो कही गई थी कि एक लड़की जो है खिड़की में खड़ी हुई थी और कुछ जो उसका पायदान था वो टूट गया था, लड़की गिर गई थी, उसके पांव में लगातार 4 टांके आए थे। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इनकी समस्या कितनी गंभीर है, लेकिन प्रशासन की अगर बात करें तो किसी प्रकार से प्रशासन इनकी समस्या की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहे, देखेंगे कितनी देर में यहाँ पर प्रशासन के अधिकारी आते हैं, विभाग के अधिकारी आते हैं और क्या कुछ इसका समाधान किया जाएगा। आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। 1 मिनट 5:50 चली, ठीक है, 6:30 ठीक है, 7 बजे ठीक है, 7:15 ठीक है, 8 बजे सुनो, 8 बजे 9 बजे अच्छा, उसके बाद तो कंटिन्यू है फिर आपने 8 से 9 खुद बोला जी, स्कूल कॉलेज का टाइम क्यों है? कॉलेज का कोई नहीं होता बेटा, और गाड़ी चला जाएंगे मैंने बोला, जवाब दो सर, मैंने गाड़ी ना तो मैं पढ़ता ना मैं किमें करता, मैंने जवाब दो, तेरी जो डिमांड है ना वो पूरी कर सका ना, ना डिमांड आप सुना दिए यार, हम कह लाग रहे हैं, हम जोड़ लाग रहे हैं, आज आप बोले हो मामे आपने 8 दिनों खुद का 8 बजे कॉलेज में बच्चे जाओ 8:20 7 बजे बड़े बड़े जगह बना लो, आज से 2 साल पहले मैं जाया करता 7:40 8:20 8:40 9:20
लगातार 6 बस आ गई 20 मिनट का बीच में 2 साल पहले 20 साल के बस के बाद उसका बाद उसके बाद आधा घंटा रुक जा भाई सर दोबारा हो सर मेरी बात एक दो तो सुन जा 20 मिनट की सर्विस थी पहले मानते इस बात लेकिन इतनी अवेलेबल गाड़ी हमारे पास नहीं है 40 मिनट की या आधे घंटे की सर्विस है मैं किलोमीटर वाली में चला दियो एक मिनट बोल तो सब काम बोल दो यार तुम बोल रहे हो एक आदमी ने बोले तो एक आदमी कोई बोल 20 मिनट का टाइम पहले हो यार हां मानते हैं 18 के अंदर एक आदमी कोई बोल रहा भाई 40 मिनट की जो सर्विस है एक मिनट बोलूं कुलदीप डर जाए पर 40 मिनट की जो सर्विस है एज ए रूल की बात करें 40 मिनट बता रहा है इंस्पेक्टर बता रहे हैं 40 मिनट क्या गाड़ी होगी 11 बजे भाई सवारियां का हिसाब सवा 11 बजे का गैप भी है आप तो झूठ बोल दूं सुबह तो पूरा मॉर्निंग में टाइम है कंटिन्यू भी है क्यों बच्चे तीन गाड़ी कनो से गई जी कनो के नल्ला से कनो वाले को कंटिन्यू से कल चला रखी है बच्चे सारे पहुंच जाए अभी गई है देख 7 बजे सवा 7 और 8 बजे और उससे पहले 6:40 कंटिन्यू है मैं ये बता रहा हूं ये बच्चों के लिए चला रखी है सर बच्चे तो 8 बजे 7 और 9 बजे सवेरे 5 बजे के करे बालक है सुन ना भाई एक मिनट कर दिया हुआ है सुन ना भाई जो पुलिस में जाओ दूसरा बात कर इन्हें फोन फोन कर दिया एक मिनट रुक मार दिया मड़े मड़ी पास ना ले भाई थोड़ी जगह दे दो जगह दे दो मड़ी एक मिनट के भाई 50 वाली दो बोलियो 50 पर पावर है सुनो नहीं यहां से एक आदमी से चालन अरे भाई एक मिनट में बोल पड़ा तो कोई बोल यहां से नहीं चालन मान्या जाएगा भाई पुण्य से मान्या जाएगा साले बता दो साले हां एक बार आधा घंटा टाइम दो एक मिनट रुक जा शुरू की बताइए जी बोलिए ना बीच में शुरू की बस जोड़ दो 5 बचा दूसरी 7 बजे 7:15 8 बजे 9 बजे और इस के बाद तो 1 घंटे बाद कंटिन्यू ये बात कंटिन्यू बस 5:50 से यहां तक आने में बस को लगती 20 मिनट इसकी मिनट बनेगी कर दे भैया कर दे काम के अंदर पूरा चुक गर्म के जिक्र ना हमने बिठवा था पूरा चुक उधर रखा जी पूरा चुक बैठा है इधर हमने बिठवा इसलिए बैठा कि बाईपास पे से ना जावे ये काम उसका पूरा कौन बाईपास तो कौन जा रही कोई गाड़ी भाई की तीन गई कनो की गई तीन बस कनो की गई तीन बस आप ये बता दो हमने इंचार्ज का आपके कितने बस की बात है आप इंचार्ज के लिए हां ना रही एक हफ्ता लग जाएगा भाई यूं रहा कि एक हफ्ता में लग जाएगा आप तो नट लग रहे पहले कल किस चीज बताओगे एक हफ्ता मैं इंचार्ज की का बस की तो काल आ जाएगी पर हम कैसे एक बार तो नुकल दो बात सुन ले एक बार जरूर जीएम साहब को होगा नहीं एक भी नहीं चल रही हमारे बस जीएम कावड़ा गांव में बस रोकी गई थी आपको किस प्रकार से सूचना मिली थी और अब क्या लगा कंट्रोल से सूचना मिली थी कॉलेज के बच्चों ने रोडवेज की बस रोक रखी है जो मैंने यहाँ पहुँच कर पता किया तो एक दो टाइम बढ़वाने के लिए उनने बसें रोकी थी रोडवेज का इंस्पेक्टर आ गया उसने डिमांड मान ली है और बच्चों ने रोड खोल दिया पहले भी इस प्रकार की समस्याएं तो निरंतर बनी रही है लेकिन ये समाधान जो है वो सिर्फ और सिर्फ आश्वासन था इसके बारे में तो रोडवेज जीएम ही कर सकता है इसमें हमारा तो कोई वो है नहीं बाकी उनने आश्वासन दिया है तो करेंगे पूरा करेंगे आगे इस प्रकार की किसी प्रकार से कोई समस्या ना आए उसके लिए आप किस प्रकार से जीएम साहब से बात करेंगे इसके बारे में और कोशिश करेंगे टाइम बढ़वाने
आज पापड़ा गांव में बस रोकी गई थी, क्या कुछ इनकी समस्याएं थी और क्या कुछ इनका समाधान निकाला गया? समस्या तो सर इनकी बहुत मामूली सी थी, गाड़ियां संचालन हो रहा लेकिन भीड़ होने की वजह से यात्रियों ने जगह को नहीं मिलती। ठीक, यही भी नए गाड़ी की डिमांड करिए, आड़ा था 7:20 हिसार से मुड़वा दूंगा और 8:30 बजे पापड़ा तक चली जाएगी, इनके बच्चे पहुंच जाएंगे हिसार, भैया ही समझ। बस स्टैंड इंचार्ज की भी मांग की गई थी पापड़ा के? हाँ, बस स्टैंड इंचार्ज की अधिकारी से बात हुई है और लुका करवा देंगे एक आदमी के ऑर्डर। अब जो इनकी मांगे थी वो कब तक है? कल शुरू कर देंगे, कल भेज देंगे बस। एक बार और देखा गया कि लगातार 3 बार बसें रोकी गई है, एक बार बालकचुट्टा रोकी गई, कनों में रोकी गई, आज पापड़ा में रोकी गई, पापड़ा में पहले भी रोकी गई थी, लेकिन 27 समाधान नहीं किया जाता। 27 समाधान कर देंगे इस बार। 27 समाधान।